है जी, मेरा नवासा है, उसमें ना माँ है ना प्यो है। मैं लोगों ने बर्तन धो के बच्चिया पढ़ा रही हैं, इतने आनी है ऐसे दिन गल नहीं करने, बच्चिया नंबर नहीं देने पे। ये बच्चों के साथ ज्यादा हो रही है। अभी बेटी मेरी अंदर गई है, जब वो पेपर दे कर आई है तो उसने कहा है कि मेरे इंशाल्लाह बाबा इस बार 100% नंबर आएंगे, लेकिन उसके टोटल 14 मार्क्स दिए गए हैं। जब अभी जाना री चेकिंग करवाया गया है, बेटी को मैंने अंदर भेजा है, तो उस वापस आकर उसने ये बताया एक दो जो है ना मुझे साथ उन्होंने नहीं जाने दिया है, रोक दिया गया है, सिर्फ बच्चों को अंदर बुला रहे हैं। जब बच्चे अंदर जाते हैं अभी पेपर मार्क हो रहे हैं, इससे पहले कोई पेपर मार्क नहीं हुए हैं। अभी जो है ना बच्ची मेरी बाहर आई है, उसने बताया कि बाबा जो मेरे सवाल ठीक थे उनके ऊपर भी क्रास लगाया गया है। अभी यह देखिए कि कल सिर्फ एक दिन रह गया है, अगर आज जो है ना इस मसले का हल ना हुआ तो जो है ना फिर कब होगा? अगर कल जो है ना हम फॉर्म दोबारा भी ना जमा करवा सके तो बच्चों का जो है ना साल ज़ाया हो जाएगा। इसलिए हम जो है ना इस चीज़ का एहतजाज करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि जो है ना हमारे बच्चों का साल ज़ाया मत करें और इस मसले का हल करें। बच्चों का देना हो तो अभी दे दो, तो सर हमें लेने दें, हमें लेने दें, हम नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं सर, फिर हमें लेने दें। अगर आप लेंगे तो दे सकते हैं, हमें लेना है। आप ये कह रहे हैं आपको ये मिलना, हम नहीं मिलना, अब हमें कह रहे हैं आपको कुछ भी नहीं मिलना, आप मर्जी कर लो। आप हमारे यार सामने से आओ ना, सामने से आओ, जो जान से आओ आप सामने से छुट्टी हो जानी है, आगे सामने से बताओ यार कि हो सोशल डिस्टेंस है सर, ये खुद मुलाजिम है उनका, पॉलिसी मेकर्स का, ये मैं कुछ नहीं दे सकता। पॉलिसी मेकर कौन है? पॉलिसी मेकर शफकत महमूद है, मुराद रास है, यासर मानी है, ये हमारे साथ मुजाकरात कर रहे हैं, उनसे टाइम लेके बात करवा देते हैं। अगर फिलहाल हो गई बातें, हमने सर ये अपील है कि हमें प्रमोट किया जाए वजीर तलीम और वजीर जो मुराद रास साहब है, जो भी है, मैं तो उन्हें वजीर समझता नहीं। पहली बात तो ये, जो मर्जी मेरा करते, मैं उन्हें पहली बात तो वजीर समझता नहीं। मुराद रास साहब कह रहे हैं कि मैं आउटगोइंग इस्लामाबाद में हूँ, जबकि वो शादरा में और शफकत महमूद, हमने अभी रिपोर्ट आई है छादरा में देखा गया, शफकत महमूद साहब कह रहे हैं कि इसको टरखाओ इस मामले को, 28 तक लेके जाओ। हम सर मेरे से बेहतर लोग हैं जो 8th क्लास के टॉपर हैं, वो पागल तो नहीं आएंगे, माँ बाप पागल तो नहीं आपको जिस तरह के बंदे भी पता जुड़े हैं कि हम आ रहे हैं। अब माँ बाप आ रहे हैं, हम सारी रात ही करें, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। हमारा सिर्फ हम तो उनको कहते हैं आप हैं, आप आप मौजूद हैं, आप वजीर आला पंजाब मौजूद हैं तो हमारी बात सुने। बच्चा आपके पाकिस्तान में बैठे हैं उनकी तो कदर कर लो, हमने ही आपकी सीटें संभालनी है। सुबह को सब ये बयान बहुत फिट हुआ, मैं आपको दोबारा भी कहूँगा, सुबह को ट्वीट करके कहते हैं शपात है, शाम को ट्वीट करके कहते हैं फेल है, ठीक है। तो 80% डिप्रेशन में अधील मेरे भाई ने सुसाइड की है, हमारे भाई हैं वो सारे, हम सब भाई खड़े हैं, हम एक रह जाए दो रह जाए हम सब खड़े हैं, ये सारे अपने भाई हैं। और मेरी हुकूमत का तो सिर्फ यही अपील है कि आज के आज हमें पैसा चाहिए, आज के मैट्रिक इंटर को पास करें, हमें आगे यूनिवर्सिटियों में जाना है, लोगों ने कॉलेजों में जाना है, हमारी सिर्फ एक अपील है। हम भूखे बैठे हैं, हमें कोई नहीं किसी ने प्रोटेस्ट किया, पंजाब पुलिस का मैं नाम लूँगा, उन्होंने हमें ठंडा पानी दस्तियाब किया, हम सारे बगैर नाश्तों के बैठे हैं 7 बजे के, हमें मजाक किया जा रहा है, हमारे साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। हम सिर्फ हुकूमत को ज़्यादा से सिर्फ यही अपील करना चाहते हैं कि इस मामले को गौर से देखा जाए, हर एक केस को भी देखा जाए, हमें आज की आज फैसला चाहिए, हम इधर ही बैठे हैं। रेट बढ़ाना हो तो 5 मिनट लगते हैं, इधर हमारा मुस्तकबिल का सवाल है तो इतनी देर लग रही है, और ये सिर्फ हमें टाली जा रहे हैं, कभी हमें कहते हैं कि ये करो, ये पेपर लिखो, ये करो। 28 तारीख को हमारा आखिरी दिन है, अपना अस्पतालों को जाने का रास्ता है, आप जी, जी कल ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। जी जी बिल्कुल, आपने एहतजाज करना है, पुरमन एहतजाज साइड पे करें। जी जी ये एहतजाज आपका पुरमन एहतजाज नहीं है। जी बिल्कुल।